नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का हरियाणा से स्वागत करता हूँ। मुझे मुझे सब गलत लगता है। अरे नेक काम करने जा रही हो और फिर मेरी बच्ची को माफी मिलेगी, इसमें गलत क्या है? जो हुआ उसके बाद इतनी जल्दी आपकी मेरी शादी? नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे बस थोड़े दिनों बाद करते हैं ना शादी। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी? और क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? मेरे लिए? हाँ हाँ, बस तुम्हारे लिए। बड़ी मुश्किल से खुद को बनवाया, आसान नहीं था, पर जो करना पड़ा सो करना पड़ा। क्या क्या करना पड़ा? कहते हैं सच्चा प्यार एक आम इंसान को बेहतर इंसान बना देता है, लेकिन जब प्यार एक ऑब्सेशन, एक अंधाधुन जुनून बन जाता है, तब जुर्म दस्तक देने घात लगाए बैठ जाता है। माँ सी, यानी माँ जैसी। माँ की बहन को मासी कहते हैं। जब कोई शादीशुदा औरत कम उम्र में मर जाती है तो उसकी छोटी कुंवारी बहन उसके बच्चों की माँ बनने के लिए अपने जीजा से शादी के बंधन में बन जाती है। अगर उसे माँ बनना मंजूर हो लेकिन पत्नी बनना नहीं, तब क्या होगा? कौन सी दस्तक पहले गूंजेगी, जुर्म की या समझदारी की? अगस्त 2011, हरियाणा। खाना खा ले बेटा। नहीं, मुझे माँ चाहिए। थोड़ा तो खाना खा ले। नहीं, मुझे माँ चाहिए। यशपाल बेटा, तू दूसरी कर ले। बापू, मैं सोनी को नहीं भुला सकता। अरे पर बच्ची ने भुलाना तो जरूरी है। कोई दूसरी इसकी माँ कैसे बन सकेगी बापू? अगर बच्ची की मासी बच्ची की माँ बन जाए तो तने कोई ऐतराज है? कौन? अपनी स्मृति? हाँ बेटा, अपनी स्मृति, बहू की छोटी बहन। अरे बापू, उसका और मेरा रिश्ता बहुत अलग है, मैं उसे पत्नी कैसे मानूं बापू? अरे ना मान, एक बार बच्ची ने मासी को माँ मान लिया तो धीरे धीरे तेरी साली भी तेरी घरवाली बन जाएगी। बापू मैंने ठीक ना लागे, मैंने मैंने सोचने दे। तो जितने दिन सोचेगा उतने ही दिन ये बच्ची भूखी सोई गई। कल सवेरे सवेरे जाकर तेरे ससुर से बात करते हैं। बादल सिंह जी, आपने तो हमारे दिल की बात छीन ली। हमारी स्मृति गुड्डे को उतना ही प्यार देगी जितना सोनी देती थी। बेटा यशपाल, तुम चुप क्यों हो? पिताजी, जब से सोनी गई है तब से कुछ कहने को मन नहीं करता है। चूंकि सवाल गुड्डी की जिंदगी का है, इसलिए जो आप लोगों को मंजूर हो, जो गांव की पंचायत को मंजूर हो, वो मुझे भी मंजूर है। किसान यशपाल सिंह की पत्नी सोनी का कुछ ही दिनों पहले देहांत हो गया था। अपने पीछे वो एक 4 साल की बच्ची छोड़ गई थी। स्मृति सोनी की छोटी बहन थी और दोनों बहनों के बीच गहरा रिश्ता था। अब दुनिया में अगर स्मृति को सबसे ज्यादा प्यार किसी से था तो वो था गुड्डी से, जो उसकी मरहूम दीदी की बेटी थी। सब आपके लिए, मेरी गुड्डी जानू के लिए। गुड्डी जा बेटा, तेरे बापू और दद्दू घर जा रहे हैं, उनके साथ घर जा। नहीं, मुझे माँ चाहिए। माँ यहीं नहीं रह सकती, उसी के लिए बात करने आए ये लोग आज यहाँ पर। सच? बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी, तू जाएगी उनके घर यशपाल से शादी करके। सदियों से यही होता आ रहा है, और फिर ये तेरी अपनी सोनी दीदी की बेटी गुड्डी की जिंदगी का सवाल है।
तो मासी है। गलत मेरी गुड्डी जानो। ये मम्मी है, ये मासी है और ये मेरा छोटा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है भाई, हमारा स्वागत तालियों के साथ किया जा रहा है। नहीं जीजा जी, ये तालियां आपके लिए नहीं है, ये तालियां तो हमारी गुड्डी जानू के लिए हैं, हरियाणा की सबसे तेज लड़की। अच्छा। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पर गई है। देख लो साली साहिबा, अगर अपनी दीदी की इतनी ज्यादा तरफदारी करोगी ना, तो ये जो हम जलेबी लाए हैं, ये हम और हमारी गुड्डी बिटिया दोनों मिलके खा जाएंगे। जीजा जी, अपने लिए जलेबियां लाए? जी हाँ। तो खिलाइए जल्दी। लीजिए। क्या बात है, हमारे लिए तो कभी नहीं लाई जलेबी, अब साली साहिबा आई है तो जलेबी। लो कर लो बात, तुमने कभी मांगी नहीं, अब खा लो। ये लो, ये जो जलेबी है हमारे छोटे वाले गुड्डे के लिए। चलो चलो मुंह खोलो। छोड़ो जी, मैंने नहीं खानी जलेबी। ये बात भी सही है, भला एक जलेबी दूसरी जलेबी को कैसे खा सकती है, है? ओए ओए, क्या बात है? क्या बात है? चलो इस बात पे खा लो, चलो चलो चलो। पंचायत से बात करनी है, सगाई की तारीख निकलवानी है, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन सिर्फ तेरी हाँ करने के बाद मैं जीजा जी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। देखिए स्मृति, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो कह देना, कोई बुरा नहीं मानेगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारे अपने अरमान हैं, खुटी का क्या है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक नहीं होगी, मैं दीदी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन गुड्डी की माँ बनने को तैयार हूँ। तुम दिल से कह रही हो? मुझे दीदी की जगह लेना अजीब लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई गुस्ताखी करने जा रही हूँ। गुस्ताखी तो नसीब ने कर दी है मेरे साथ स्मृति, मैं तुम्हारी दीदी से कम प्यार नहीं करता था, लेकिन वक्त आने पर मैं उसे बचा नहीं पाया, ये घाव कभी नहीं भर पाएगा स्मृति। अजय बाबू आराम से, एक मिनट यहाँ पर रुको, मैं आगे से गाड़ी लेकर आता हूँ। जी बस जल्दी आ जाना। हाँ, जल्दी हाँ, आ जाना। हाँ जल्दी आता हूँ। क्या हुआ? अरे तबीयत खराब हो रही है क्या? नहीं। अरे उल्टी जैसा मन हो रहा तो यहीं कर ले। नहीं, घर पहुंचने तक सह लूंगी। अरे घर पहुंचने में अभी 40 मिनट लग जाएगा, चल उतर 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 उतर, यहीं कर ले, चल चल आजा। अरे मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ। चल चल आजा आजा आजा, चल जा जा। हाँ हो रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है? पता नहीं, प्यास प्यास सी लग रही है। प्यास प्यास सी लग रही है, एक मिनट। अरे सुनो, अगर उल्टी जैसा मन हो रहा है तो उल्टी कर लो तब तक, ठीक है? मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ। अपना ख्याल रख। मोबाइल फोन यूज करती हैं? जी नहीं सर। आप लोग माता पिता हैं उसके? हाँ जी। आप में से किसी की कोई दुश्मनी किसी से? नहीं साहब, किसी के साथ किसी भी तरीके की कोई दुश्मनी साहब। इंस्पेक्टर साहब जितना हो सके मेरी बीवी को ढूंढिए, वो बीमार भी और पेट से भी है। यशपाल मुझे तस्वीर चाहिए तुम्हारी पत्नी की। ये है।
कॉपीज करवाओ। किशन नगर, रमन नहर और मोहकपुर सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो। जी सर। आप बता सकते हैं कि शादी से पहले सोनी का किसी लड़के से कोई चक्कर, प्यार मोहब्बत वगैरह? जी नहीं, कभी भी नहीं। मेरी दोनों बेटियां तो सोना है सोना। और सर, शादी के बाद भी इस तरह की कोई बात नहीं है। सर, हम लोगों की 5 साल की बहुत अच्छी शादी है, ऐसा कुछ नहीं साहब। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो नहर में गिर गई होगी? भगवान न करे वो नहर में गिर गई हो साहब, मैंने उसको वहाँ बहुत ढूंढा। हम थोड़ा और ढूंढेंगे। लाश बुरी तरह से सड़ चुकी है, लेकिन है यही लड़की। प्रेग्नेंट थी? 7 महीने। मेल चाइल्ड था उसके पेट में। मौत का कारण? डूबने से मौत हुई है, करीबन 72 घंटे पहले, रफली 3 दिन। 3 दिन पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी इसके पति ने। वैसे और कोई घाव या निशान वगैरह? नहीं, पर हाँ उसके ब्लड में एंटीबायोटिक के ट्रेसेस मिले हैं। ये औरत बीमार थी। यशपाल, जब तुम पानी लेने गए तो आसपास कोई था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आसपास कोई भी नहीं था। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी लेने के लिए गए थे और फिर वापस आ गए थे। तुम दोनों वहाँ रुके ही क्यों थे? इंस्पेक्टर साहब, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, हम लोग डॉक्टर के पास से आ रहे थे और दवाइयाँ खाने की वजह से उसको उल्टी आ रही थी, इसलिए हम लोग वहाँ नहर के किनारे रुक गए थे। हमारी तहकीकात से यही लगता है कि उल्टी करते करते वो फिसल कर नहर में गिर गई, डूब कर मौत हुई और पानी बहा ले गया लाश को। तकदीर ने तो मेरी जिंदगी बहा दी इंस्पेक्टर साहब। मेरी बीवी चली गई, मेरा होने वाला बच्चा चला गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा इंस्पेक्टर साहब। अब मेरी गुड्डी का क्या होगा? मेरी गुड्डी का क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? जीजा जी, रोइए मत। मैं ठीक हूँ स्मृति। देखो स्मृति, तुम अच्छे से सोच लेना, पहले अपने बारे में फिर गुड्डी के बारे में। मैं चलता हूं। बेटी स्मृति, तेरी मंजूरी पूरी है ना? भाई सुंदर सिंह, हम पंचों को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। हमें लगता है तेरी बेटी नेक काम करने जा रही है और हम सबका आशीर्वाद है उसके साथ। बड़ी कृपा जी। बेटी गुड्डी, आज से तू अपनी मासी को माँ कहना। बेटा स्मृति, आज से तू भी इसे अपना जीजा जी नहीं कहना। अरे खड़ी क्या है, मुंह तो मीठा करा अपने होने वाले पति का। शुक्ला, इतनी जल्दी नहीं है अलावत। किसी पे शक है सर? हाँ, उस पुल पर और उस नदी पर। यशपाल के अनुसार सोनी यहां खड़ी हुई थी, किस तरफ मुंह कर? करेक्ट सर, लेकिन उसे उल्टी आ रही थी सर, तो हो सकता है वो घूमी हो और उल्टी करने की कोशिश में झुकी होगी और गिर गई होगी सर। 7 महीने पेट से थी वो, बीमार भी। इस हालत में खड़े खड़े इस तरफ घूमना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। और अगर उल्टी ही करनी थी तो नदी में क्यों, सामने ज़मीन पे भी तो कर सकती थी। सो उसे नदी में करनी होगी सर। ओके, शायद उसे नदी में करनी थी, लेकिन वो फिसली किस चीज़ से होगी,
उस दिन तो बारिश वारिश भी नहीं हो रही थी। आपको शक है किसी पे सर? सोनी यहाँ से फिसली नहीं है, बल्कि उसका दिमाग फिसल गया होगा कभी। सर आपका मतलब वो मेंटली अनस्टेबल थी? पूरे चांसेस हैं कि कोई चीज़ उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत दर्द हो रहा था उसे। वो यहाँ से फिसली नहीं है, बल्कि यहाँ से कूद गई है लहलावत। ये सुसाइड का केस हो सकता है। पुलिस को शक हो रहा था कि सोनी एक्सीडेंटली फिसल कर नहीं गिरी है, शायद ये हो सकता है कि उसने आत्महत्या की हो। लेकिन सोनी 7 महीने प्रेग्नेंट थी, ऐसी हालत में वो आत्महत्या क्यों करती? क्या था इस दुखद मौत का राज? पुलिस ने अपने खबरी सोनी के ससुराल और मायके दोनों गांव भेजे। खबरियों ने खबर दी कि सोनी के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। आपने अपनी कंप्लेंट में लिखवाया था कि सोनी आपकी बेटी थी। लिखवाया था? बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, साबित कीजिए कि आप ही ने सोनी को जना है। सिर्फ बच्चा पैदा करने से और दूध पिलाने से कोई माँ नहीं बन जाती है। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्योंकि आपका सवाल ही गलत है। फिर भी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सोनी को इसने नहीं, मेरी बहन ने जना था। इंस्पेक्टर साहब, सोनी जब 4 साल की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट में। तब से लेकर हमने उसे पाला पोसा, 4 किताब पढ़वाई, हाथ पीले किए हमने उसके। हम माँ बाप नहीं हुए उसके। और आपकी दूसरी बेटी स्मृति, वो कौन है? जो आपने कहा वही, वो हमारी बेटी है, उसे इसने जना है। मगर इंस्पेक्टर साहब, हमने उन दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन दोनों में सगी बहनों से ज्यादा प्यार था। और अब तो स्मृति सोनी की बच्ची गुड्डी की माँ भी बनने जा रही है। हाँ, 1 महीने बाद स्मृति और यशपाल की शादी है। आपकी बेटी स्मृति अभी कहाँ है? जी काम से गई है बाहर। पर बात क्या है? देखिए, हमें लगता है कि सोनी फिसल कर गिरी नहीं है, उसने आत्महत्या की होगी। आत्महत्या? पर इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा क्यों करेगी, और वो भी ऐसी हालत में? जैसे आपकी बेटी स्मृति वापस आए, उसे थाने ले आइएगा। पर ऐसा क्या पूछना चाहते हैं आप स्मृति से? देखिए सिंह साहब, अक्सर शादी के बाद लड़कियां अपने माँ बाप को वो सब कुछ नहीं बताती, लेकिन अपनी बहनों को बता देती हैं। और आप ही ने तो कहा है कि दोनों में सगी बहनों से ज़्यादा गहरा रिश्ता था, और अब तो मासी माँ बनने जा रही है। ये सब गांठे बांध के रखना एक जगह, और बिखरना नहीं चाहिए, ध्यान से करना सब। यशपाल। हाँ बापू। बेटा, पंडित जी ने अक्टूबर में 3, 13 और 16 तारीख को शुभ मुहूर्त बताया है। अब सोनी के जाने के बाद कैस उभर कैस हो बापू, अब जो कुछ भी है आप जल्दी निपटा लो, और कोई बैंड बाजा बरात ना करना। मेरे दिल की तो जो है सो है, अब बेचारी स्मृति के ऊपर क्या बीतरी होगी भगवान ही जाने। हेलो। हाँ समझी जी, क्या हुआ? हे राम। अरे क्या बात होगी बापू? हाँ हाँ, मैं यशपाल को बता देता हूँ। क्या हुआ? तेरे ससुराल में पुलिस आई थी। पुलिस किस लिए? उनको शक है कि सोनी ने। अरे क्या शक है बापू? सोनी फिसल कर नहीं गिरी, बल्कि उसने अपनी जान दे दी बेटा। क्या? नामुमकिन, मेरी दीदी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती थी। कोई दुख, कोई दर्द कभी जिक्र किया हो? दुख सुख तो सबकी जिंदगी में चलता ही रहता है, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। और दीदी तो बहुत जिंदा दिल इंसान थी, और ऊपर से पेट से थी। पति यशपाल के साथ कोई अनबन? नहीं, यशपाल जी तो सोने के बने हुए इंसान हैं। दीदी उनके साथ बहुत खुश थी। और अब तुम खुश रहोगी उनके साथ? गुड्डी की खुशी के लिए। और आपकी खुशी ये मायने नहीं रखती? माँ बाप की मर्जी है, पंचायत का जो फैसला है, मैं तो बस रीत निभा रही हूँ। अपनी मर्जी से? हाँ। खुशी से? आपको और कुछ पूछना है? मैं जा सकती हूँ। सर, सर की स्मृति और यशपाल दोनों की डिटेल बैकग्राउंड चेकिंग करी सर, किसी के मुँह से ग्लव्स भी नहीं निकला। सबका यही कहना है कि स्मृति जैसी बहन नहीं और यशपाल जैसा पति नहीं। इतनी मिठास से तो डायबिटीज हो जाए किसी को। अलावा फिलहाल ये केस बंद कर दो, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये 2 और 2 4 वाला केस नहीं, ये फाइल फिर खुलेगी। सालों क्रिमिनल केसेस हल करते करते पुलिस ऑफिसर्स की इंट्यूशन पावर बड़ी तेज हो जाती है। हर केस में भले ही पूरी तरह से नहीं, लेकिन हल्की हल्की दस्तक जरूर सुनाई देती है। पुलिस को स्मृति की चुप्पी और झिझक पर भरोसा था, क्योंकि यही चुप्पी इस केस में हुए जुर्म को उजागर करने वाली थी।
स्मृति, क्या बात है बेटी, तू तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जब से थाने से आए एक शब्द नहीं बोली तू। देख तुझे मेरी कसम है, कुछ तो बोल स्मृति। माँ बाबा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पुलिस वाले गलत कह रहे थे बेटा। मैं जानती हूँ, लेकिन दीदी ने मुझसे कहा कि मैं गलत कर रही हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सोनी मर गई है बेटा। नहीं बाबा, दीदी जिंदा है मेरे अंदर, और वो मुझे कहती है कि स्मृति तू ऐसे कैसे कर सकती है, ये गलत है, ऐसा मत कर। देख मैं मानती हूँ कि तुझ पर दबाव है, पुलिस वालों ने कुछ भी अनाप शनाप बक दिया होगा और तू आ गई उनकी बातों में। पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि दीदी कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती थी। माँ आप ही बताओ, क्या एक औरत कभी भी ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी और का पति बन जाए, चाहे फिर वो उसकी खुद की बहन क्यों ना। अगर मैंने ऐसा किया तो दीदी टूट जाएगी। वो किसी और को ब्याह कर घर ले आएंगे, तब गुड्डी का क्या होगा? बाबा गुड्डी के लिए हम हैं ना। और हमारे जाने के बाद? बाबा मैं गुड्डी का ध्यान रखूंगी, उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी सब कुछ करूंगी। तेरी अपनी जिंदगी होगी, तेरा अपना पति, तेरे अपने बच्चे, उन सबके बीच गुड्डी का क्या होगा? मेरे और गुड्डी के बीच कोई नहीं आएगा, मैं शादी ही नहीं करूंगी किसी से भी नहीं। कैसी बापू? अच्छी है, लेकिन लेकिन ये शादी का जोड़ा वापस कर दे बेटा। क्यों? ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तेरे ससुर जी का फोन आया था। क्या बोले वो? बोले कि स्मृति का दिल नहीं है, वो बच्ची को तो उम्र भर संभाल सकती है लेकिन तुझसे शादी नहीं कर सकती। छोटे बाबू होली है। देखो कितना भगा ली तुम्हारे साथ। अरे संभल के। पापा मौसी को भी रंग लगा। हाँ बेटा लगा रहे तेरी मासी पे रंग। हैं? किधर भागेगी तू? हैं? संभल। मम्मी मुझे छोटू को भी रंग लगाना है। लगाओ। जीजा जी, यशपाल हमारी मंगनी हो चुकी है और तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की अंगूठी भी है। उतार दी मैंने। अरे तुम ऐसे हाँ कहकर ना कैसे कह सकती हो? मैंने दबाव में आकर हाँ कहा था, क्योंकि मैं दीदी की जगह कभी ले ही नहीं सकती। मुझे ये गलत लगता है और दुनिया भी इसे गलत समझेगी। पुलिस वालों को लगता है कि दीदी की आत्महत्या के पीछे आपका या मेरा हाथ है। ये एकदम गलत है, तुम्हारी दीदी कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती, वो तो फिसल कर गिर गई थी बस। मैं भी फिसलना नहीं चाहती, अगर मैंने आपसे शादी की तो मैं दीदी की नजरों में गिर जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, पर मैं उस तरीके से कभी सोच ही नहीं सकती। और मैं किसी और तरीके से सोच ही नहीं सकता। बहुत बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। मैंने पहले तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर रहने आई, मेरे अंदर कुछ हो गया था। बस पहले ही दिन से प्यार हो गया था मुझे तुमसे। दीदी के होते हुए आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? पता नहीं, बस तब तुमसे प्यार हो गया था और अब बता रहा हूं। बस कीजिए, हाथ जोड़ती हूं मैं आपके, इतनी गंदी बातें मत कीजिए। अगर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो 3 महीने जो तुम हमारे यहाँ रही थी, मेरी जिंदगी बदल गई थी। बस कीजिए जीजा जी, बस कीजिए। और जब से तुम गई हो मैं तड़प रहा हूँ दिन रात, और
और मैं जानता हूँ कि तुम भी तड़प रही हो मेरे लिए वैसे ही। अब हम दोनों के एक होने का टाइम आ गया स्मृति। जानवर से भी बदतर हैं आप। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे सही वक्त पे सही राह दिखा दी। काश दीदी को भी शादी से पहले दिखी होती, कम से कम आप जैसे घटिया इंसान से तो बच जाती वो। घटिया ही सही, अब ये घटिया आदमी तुम्हें पाने के लिए किसी भी घटिया हद को पार कर जाएगा। एक घटिया हद तो मैं पार कर चुका हूं। क्या क्या किया आपने? तुम्हारे और मेरे बीच में जो दीवार थी उसे मैं अपने हाथों से गिरा चुका हूं। स्मृति, मुझे तुम्हारी सोनी दीदी से नफरत नहीं थी, मुझे तो तुमसे ज्यादा प्यार था। कल किसी और से ज्यादा प्यार होगा, परसों किसी और से। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। मैंने तुम्हारे लिए अपने सर पर हत्या का पाप मोल लिया है, ना ही सिर्फ तुम्हारी सोनी दीदी का बल्कि अपने बच्चे का भी जो उसके पेट में पल रहा था। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे प्यार के सामने भगवान भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। बस बस तुम मेरी हो जाओ। गुड्डी की कसम है स्मृति, गुड्डी को बीच में मत लाओ। गुड्डी तो हम लोगों के बीच में है, गुड्डी तो है जो हम दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखेगी, नहीं तो किसी के पाप में दम नहीं जो तुम्हें मुझसे दूर कर सके। और ये मैं ये तुम्हारे लिए ये शादी का जोड़ा लेकर आया हूँ। अब तुम्हें अपनी नाव वापिस लेनी होगी। अगर तुम मुझसे दूर गई तो देखना गुड्डी भी तुमसे दूर चली जाएगी। स्मृति अच्छे से सोच लो। स्मृति के सर पर दो धारी तलवार लटक रही थी, एक तरफ था सोनी के कत्ल का शौक और दूसरी तरफ गुड्डी के अनाथ हो जाने का डर। स्मृति की बहन सोनी खुद एक अनाथ बच्ची थी जिसे स्मृति के माता पिता ने पाला था, और स्मृति ये कतई नहीं चाहती थी कि गुड्डी पर भी वही कहर टूट पड़े। लेकिन यशपाल सोनी और उसके होने वाले बच्चे का कातिल था, पर स्मृति के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। स्मृति के सामने एक बहुत बड़ी विडंबना थी, धर्म संकट था। भाई सुंदर सिंह, तुम्हें जो कुछ कहना है दिल खोल के बेझिझक कहो। पिछली बार मैंने हमारी बेटी स्मृति और यशपाल की शादी की अनुमति मांगी थी आपसे। वो तो हमने दे दी थी, लेकिन अभी बात क्या है? अब ये सगाई मेरी बेटी तोड़ना चाहती है। कारण क्या है? कारण तो वो बेहतर जानती है। मेरी आपसे इतनी विनती है कि उसे आप अपना पक्ष पंचायत में रखने की अनुमति दें। देखो बेटी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता आया है, अगर कोई माँ बेवक्त गुजर जाती है तो मासी माँ बन जाती है, लेकिन तुम ये प्रथा तोड़ना क्यों चाहती हो? मुझे मासी से माँ बनने में कोई एतराज नहीं है, मैं खुशी खुशी गुड्डी की माँ बनने को तैयार, पर मैं अपने बहन के पति को अपना पति नहीं बनाना चाहती। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा ब्याह कहीं और हो जाए तो इस बच्ची को कौन अपनाएगा? मेरा ब्याह कहीं नहीं होगा, मैं कसम खाती हूँ। आप कहें तो मैं लिख कर देती हूँ, मैं जिंदगी भर गुड्डी का ख्याल रखूंगी, कवारी रहूंगी। प्रथा सिर्फ बच्ची की देखभाल करने की नहीं है, प्रथा अपनी दीदी के पति की देखभाल करना भी होता है। ये इंसान तो मेरी दीदी का पति कहलाने के लायक ही नहीं, और ना ही गुड्डी का पिता कहलाने के लायक है। इसने मेरे सामने कबूल किया है कि इसी ने मेरी दीदी की हत्या की। मेरी दीदी की मृत्यु कहीं से फिसलकर या गिरकर नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने आत्महत्या की थी। मेरी दीदी की हत्या हुई थी, और वो हत्यारा ये है।
क्या बात कर रही है छोरी, होश में तो हो? अब तक नहीं थी, पर अब होश में भी हूँ और पूरे जोश में। आप प्रथा की बात कर रहे थे ना, तो आइए आज एक नई प्रथा शुरू करते हैं। इस हत्यारे को पुलिस के हवाले कर दो। बोलिए तो शुरू होगी ये नई रीत। हमारे पुरुष प्रधान समाज में फैसला स्मृति के पक्ष में जाने की संभावना बहुत कम थी और पुलिस भी इस फाइल को क्लोज कर चुकी थी। स्मृति के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसके पास हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्मृति सच बोल रही थी। इस केस में पंचों की राय ने अपने आप में एक नई प्रगतिशील मिसाल कायम की। पंचायत ने स्मृति का पक्ष लिया और गांव में पुलिस बुलाई। अब अदालत जो थप्पड़ मारेगी ना, उसकी गूंज पूरे 14 साल तक सुनेगा तू यशपाल सिंह। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे फांसी हो जाए। मुझे मेरी स्मृति ने पकड़वाया इंस्पेक्टर साहब। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करती। तुझ जैसे हैवान को कोई औरत कैसे सहन कर सकती है? तूने उसकी बहन का कत्ल किया जब वो 7 महीने पेट से थी। ये सब कुछ उसको बताने के बाद भी तू उससे मोहब्बत की उम्मीद कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे शादी से मना कर देगी, और मुझे ये भी नहीं लगा था कि मैं उसके सामने सारी बातें इस तरह से बोल जाऊंगा। और ये तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो मुझे पकड़वा देगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। नहीं लगा था ना, लेकिन अब लगेगी, बुरी तरह से लगेगी। तुझ जैसे प्रेमी हो दुनिया में तो नफरत करने वालों की जरूरत ही क्या है। चौबीस साल की स्मृति अब मासी से मां बन गई है। गुड्डी उसे कई मुश्किल सवाल करती है और स्मृति उनके आसान जवाब ढूंढने की कोशिश करती रहती है। नमस्कार, आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का मुंबई से स्वागत करता हूं। रेडी? हाँ रेडी। यस। दैट्स नॉट फेयर यार। चल एक और बार, तुम्हें क्या याद रखे? अच्छे बोलो बेटा, बोलो ना, क्या हुआ? बच्चों का दर्द उनके आंसुओं से ज्यादा उनकी खामोशी बयां करती है। बच्चों की खामोशी माँ बाप के लिए दस्तक होती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अक्टूबर 2011, साउथ मुंबई, महाराष्ट्र। किसी के पीछे लगाए गए, क्यों बे? फिफ्थ स्टैंडर्ड के तुच्चे? बोलो सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे। चलो अपने सीनियर के गले तो लगो। Yeah!
साले अमान के बच्चे जूनियर टुच्चे, देख लूंगा तेरे को। फिर देखना आंखें बंद है क्या तुम्हारी। हो गया सर। क्या बात है अमन, तुम तो छा गए मेरे दोस्त। स्टूडेंट्स, अ बिग हैंड फॉर अमन खान। सो क्लास, जैसा कि आपने देखा कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए जिससे आप दर्द सहन कर सको। एवरीबॉडी स्ट्रेच स्ट्रेच आई से स्ट्रेच स्ट्रेच करो अमन, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच, गुड गुड, वेरी गुड, यस, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच स्ट्रेच एवरीबॉडी, वेरी गुड एवरीबॉडी, अप अप। हाँ, अभी हम लोग स्पॉट जॉगिंग करेंगे, कम ऑन, वन टू वन टू वन टू, यस कम ऑन। एक अच्छे घर का मुस्कुराता खुश मिजाज बच्चा और दक्षिण मुंबई के पॉश इलाके का एक टॉप स्कूल, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। 10 साल के अमान खान की जिंदगी मस्ती, मासूमियत और मेहनत का गठबंधन थी। और फिर एक दिन वो मनहूस दिन आया, मायूसी के बादल छा गए, दर्द आया दबे पांव। कितनी देर से नहा रहे हो, बाहर निकलो, खाना ठंडा हो रहा है। अमन अमन, अमन क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अमन, अम्मी बता रहे थे कि शाम को नीचे खेलने भी नहीं गए, होमवर्क भी नहीं किया ना। क्या बात है बेटा? अमन अमन सुनो बेटा। अरे क्या हो गया इसे? पता नहीं जी, पहले तो कभी ऐसे पेश नहीं आया। स्कूल में झगड़ा वगड़ा हुआ होगा दोस्तों से, पता नहीं क्या हो गया है इसको। अमन बेटा, अमन क्या हुआ बताओ। अच्छा ठीक है, सो जाओ। हाँ अमन अमन, फिर क्लासरूम में सो रहे हो, जाओ वॉशरूम में फेस वॉश करके आओ। अमन क्यों बे, फिफ्थ स्टैंडर्ड के टुच्चे आजकल आता नहीं खेलने, डर गया क्या?
अरे सुन, बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही अमन। सुनी ताहिरा, प्लीज बीच में मत बोलो। अमन क्या बात है? अमन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ऐसे सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। अरे मजाक है क्या? टीचर ने 3-3 रिमार्क्स लिख के दिए डायरी में। तुम क्लास में सोते रहते हो, होमवर्क नॉट डन, टिफिन नहीं खा रहे हो, किसी के साथ खेल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। देखो मेरी तरफ, देखो देखो मेरी तरफ बेटा। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या बात है? मुझे स्कूल नहीं जाना है। लेकिन क्यों नहीं जाना है? अमन बेटा क्या बात है बताओ हमें। मुझे दर्द होता है। हायला, कहाँ दर्द होता है मेरी जान, बोलो। पीठ, पीठ में। दिखाओ मुझे। नहीं, अमान को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर के एग्जामिनेशन ने अमान के माता पिता की होश उड़ा दी। सोडोमी यानी अप्राकृतिक संभोग के कारण फूल से बच्चे का तन और मन घायल हुआ था, लेकिन वो उस घिनौनी हरकत करने वाले का नाम लेने से साफ इनकार कर रहा था। आखिर क्यों? मेरी राय है मिस्टर खान की, जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती बच्चे को स्कूल ना भेजा जाए। सवाल ही नहीं उठता डॉक्टर, मैं कल सुबह प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ अमन को लेकर। और एक बात, टेक्निकली ये पुलिस केस बनता है और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँ। डॉक्टर मैं देखता हूँ कि स्कूल क्या कहता है, तब तक प्लीज़ आप रुक जाइए। अमन, आपके पापा बता रहे हैं कि आपको किसी ने हर्ट किया? स्कूल में तो नहीं किया ना? स्कूल में किया, टॉयलेट में। किसने किया? मिसेस खान, आप अमन को लेकर बाहर बैठिए। मिस्टर खान, बच्चे सच और झूठ में फर्क नहीं समझते, इसीलिए तो बच्चे कहलाते हैं। और डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि स्कूल में हुआ है। अमन कह रहा है कि स्कूल में हुआ। तू सारी बातें खुलकर क्यों नहीं बताता? अमन डरा हुआ है, वो तो स्कूल आने से भी डर रहा है। बच्चे की स्कूल तो मिस नहीं होनी चाहिए। मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना देती हूँ, आप दूसरे स्कूल में ट्राई कर सकते हैं। आप इंक्वायरी करने की बजाय मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रही है। मिस्टर खान, हमारे स्कूल बॉम्बे के टॉप 10 स्कूलों में से एक है। हमारे यहाँ ना कभी ऐसी घटिया हरकत हुई है और ना भविष्य में कभी होगी, इसलिए इंक्वायरी बिठाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाऊँ या अमन क्लास ज्वाइन कर रहा है? तीसरा ऑप्शन भी है प्रिंसिपल। वो क्या है? मुंबई पुलिस। बेटा अमन, बेटा मुझे पुलिसमैन मत समझो, अपना अंकल समझो, अपना दोस्त समझो और डरना नहीं है प्लीज। बेटा तुमने उसका चेहरा देखा था? डर क्यों रहे हो बेटा, किसी ने धमकी दिया तुमको? कुछ नहीं हुआ मैं, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर खान, प्रिंसिपल से मैं अकेला मिलूंगा।
कोई स्कूल नहीं चाहता कि पुलिस उनके कैंपस में आए। हर स्कूल को अपनी रेपुटेशन और गरिमा की बहुत फिक्र होती है, और स्कूल ये भी जानता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। पुलिस के कहने पर स्कूल प्रिंसिपल ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई। अब सवाल ये था कि कौन थी ये गंदी मछली, और क्या इस तालाब में सिर्फ एक ही गंदी मछली थी। इंस्पेक्टर डिसिल्वा, ये हमारे स्कूल के मैथ्स टीचर हैं, मिस्टर बोरकर, ये इंक्वायरी करेंगे। श्योर मैम, मैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है वो। आई एम श्योर जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस केस में मुझे ऐसी झूठ जैसी बात तो कोई लगती नहीं, एटलीस्ट अब तक तो नहीं। हाँ, लेकिन सच और खामोशी के बीच एक डर की दीवार ज़रूर है। अगर आप अमन को वो दीवार पार करवा दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। 3 दिन में मैं और मिस्टर बोरकर आपको पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अमान के मुंह पर मानो ताला ही लग गया था। जब भी वो आक्रमक का नाम लेने जाता, उसकी आंखों के सामने स्कूल बस आ जाती। आखिर ये माजरा क्या था? लेकिन आखिरकार इंक्वायरी पूरी हुई और मैथ्स टीचर बोरकर ने अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल को पेश की। आर यू श्योर मिस्टर बोरकर, क्या ऐसा ही हुआ है? मैम, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, पर मैंने जो जो लिखा है एग्जैक्टली मुझसे वही कहा गया है। मैंने शुरुआत अमन के साथ पहली मीटिंग से की। प्लीज अमन खान, मुझ पर भरोसा करो, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूं। प्लीज प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ। वेरी गुड अमन, वेरी गुड। अब ये बताओ कि तुम उसे जिसने तुम्हें हर्ट किया उसे जानते तो हो, तो फिर तुम उसका नाम क्यों नहीं बताना चाहते? मैं मर जाऊंगा सर। यार कर्माकर, हाँ, इस इंक्वायरी ने दिमाग खराब कर दिया यार। हाँ यार, और एकदम फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है वो अमन खान। हाँ रियली है। मुझे लगता है कि ये सीनियर जूनियर वाला मामला है। मतलब फिफ्थ और सिक्स क्लास वालों के बीच में चलता है ना सीनियर और जूनियर को लेकर एक दूसरे को सताना, बुलिंग होती है ना काफी। हाँ होती है। तो सिक्स क्लास में एक लड़का है सचिन, सचिन मापसेकर। सचिन मापसेकर, तुम्हें लगता है वो सचिन मापसेकर? नाक में दम कर दिया उसने अमन के। पीटी ग्राउंड में 2-3 दफा मैंने ही इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया है। अमन डरो मत, सचिन की तरफ देखो। क्या हुआ सर? हे अमन, क्या हुआ? अमन बोलो, इसी ने किया ना? हाँ सचिन ने किया है। हे अमन, मैंने क्या किया? अमन वेट, अमन सचिन मापसेकर, इधर आओ। तुमने जो कुछ भी अमन के साथ किया है इस पेपर पे लिखो, चलो। सर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया सर, वो बस ऐसे ही हमारे बीच में मजाक मजाक में चलते रहता है। मजाक मजाक में तुम काफी आगे निकल गए सचिन मापसेकर। सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ मत बोलो, मेरे आगे तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलने वाला, और अपने ये आंसू बचा के रखना, जब यहाँ से रश टिकट हो जाओगे तब काम आएंगे। सर प्लीज सर मुझे रश टिकट मत कीजिए। जेल जाने से तो अच्छा ही है रश टिकट होना। चलो लिखो। गुड जॉब मिस्टर बोरकर, मैं अभी इंस्पेक्टर डिसिल्वा को फोन करती हूँ, अभी मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
प्रिंसिपल ने उस लड़के को अरेस्टिकेट कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट की है कि इस केस को और आगे ना बढ़ाएं और अमन धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर दे। उसका जो भी पोर्शन मिस हुआ है उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस अरेंज करने की बात भी की है। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप काफ़ी आउट ऑफ द वे गए हैं हमारे लिए। मेरा भी 8 साल का बेटा है मिस्टर खान, अमन के लिए ऑल द बेस्ट। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो इस बुरी याद को जल्द से जल्द भुला दे। सुनिए, बच्चा है। बच्चा है ये? लक्ष्मी, इसने अपना फ्यूचर खराब कर लिया। अरे कौन सा स्कूल ये बात भूलने के लिए तैयार होगा कि हमारे लड़के में विकृत प्रवृत्ति है? इस शहर का हर स्कूल एक्सप्लेनेशन मांगेगा। कहाँ लेकर जाऊंगा तुझे मैं? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं कि सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तुझे पता नहीं तुमने क्या किया? अरे तुझे नहीं पता तूने क्या किया? कहां से सीखा ये गंदी हरकतें? तू कहां से सीखा? अब तू जानता है मैं क्या करूंगा सचिन? मैं तुझे ऐसे सख्त से सख्त बोर्डिंग में डालूंगा कि खाल खींच कर ठीक करेंगे वो लोग तुझे। लक्ष्मी, इसने अमन की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग बस ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते थे। मजाक था ये? मजाक था क्या ये? जाने दीजिए, कितना डर रहा है वो। बच्चे और खासकर बॉयज बहुत मजाक मस्ती करते हैं और उनके मजाक आपस में फिजिकल होते हैं, मारा मारी, उछलना कूदना, प्रैक्टिकल जोक्स, बुलिंग करना वगैरह वगैरह। लेकिन अमान के साथ जो हुआ और जिसके लिए सचिन दोषी पाया गया, वो ना मस्ती थी और ना ही मजाक। लेकिन क्या एक छठी क्लास का बच्चा पांचवी क्लास के 10 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? ये केस क्लोज होना तो दूर, बल्कि अभी तो शुरू ही हुआ था। उठो बेटा अमन, बाहर बैठो। ये लो बेटा, दूसरे कलर का चाहिए? अमन ले लो। गुड बॉय। अब आप बाहर जाइए, रिसेप्शन पे आंटी बैठी है, उनसे कहिए कार्टून लगाएं, आप कार्टून देखें जब तक मम्मी आती है। ओके, चल। वेरी गुड, वेरी नाइस। अमन ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? मिसेस खान, फिजिकल घाव जो है वो तो ठीक हो गए, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन बच्चे को काउंसलिंग के लिए भेजना जरूरी है, मेंटल घाव अभी भी ताजा है। आप ठीक कह रहे, वो लड़का जिसने ये सब किया था वो तो पकड़ा गया, फिर भी पता नहीं क्यों अमन स्कूल जाने से कतराता है, स्कूल बस देखते ही रोने लगता है। तो वो लड़का पकड़ा गया? जी, उसकी अमन से बनती नहीं थी, बस इसीलिए उसने अमन के साथ ही घिनौनी हरकत की। उसी के स्कूल का स्टूडेंट है, उससे एक क्लास सीनियर, 6th स्टैंडर्ड का। नामुमकिन। क्या मतलब डॉक्टर? 6th स्टैंडर्ड का लड़का बच्चा ही होता है मिसेस खान, और ये हरकत किसी बच्चे ने नहीं बल्कि किसी बड़े ने की है। मैं मेडिकली प्रूफ कर सकता हूँ ये किसी एडल्ट की हरकत है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? ऐसा हुआ है मिसेस खान, और 6th स्टैंडर्ड का बच्चा ये नहीं कर सकता। डॉक्टर ने रिपोर्ट भी बना के दी है इंस्पेक्टर। इसका मतलब अमन और सचिन दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? शायद उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है। आप एक काम कीजिए मिस्टर खान, फिलहाल अमन से कोई भी सवाल जवाब मत कीजिए, मुझे ये बहुत ही सीरियस मैटर लग रहा है। सचिन बाहर आओ। हो बाबा। इंस्पेक्टर साहब जो भी पूछे उसका सही सही जवाब देना, ठीक है? इधर आओ बेटा, बैठो, डरो नहीं। ओके अंकल, मैंने कुछ भी नहीं किया अंकल। तो बेटा आपने लिख के दिया है कि आपने अमन को घायल किया है। पहले मुझसे साइन करवाया गया, फिर वो सब लिखवाया गया, जिसका मतलब भी मुझे नहीं मालूम है। तो आपने लिखा क्यों, साइन क्यों किया? बोरकर सर ने मुझसे कहा,
कि अगर साइन नहीं करूंगा तो मुझे जेल भेजा जाएगा। आए बाबा की शपथ खाता हूं अंकल, स्कूल में सब लोग मुझे गंदा गंदा बोलते रहते, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर मापसेकर, लड़का आपका सच बोल रहा है, इनोसेंट है, फंसाया गया है। बच्चे का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बेटा। टोटल नॉनसेंस। वो सचिन मापसेकर झूठ बोल रहा है। उसने खुद मिस्टर बोरकर को अपने हाथों से लिख कर दिया है कि ये सब उसी ने किया है। देखिए मैडम, लिखित में देने में और लिखित में लेने में बहुत फर्क होता है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मेरा मतलब मिस्टर बोरकर अच्छी तरह समझ रहे हैं। क्यों मिस्टर बोरकर, सचिन मापसेकर ने लिखित में दिया था या आपने लिखित में लिया? मेरे सामने अमन ने कहा कि सचिन कल्पित है। आप चाहे तो अमन से पूछ लीजिए। फिलहाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच क्या है? दिस इज टू मच इंस्पेक्टर। आप मेरे स्टाफ को धमका रहे हैं और वो भी ऐसे टीचर को जिन्होंने ईमानदारी थी सारा इन्वेस्टिगेशन किया और सच्चाई को सामने लाया। मैडम, इनकी ये रिपोर्ट झूठी है। अब हम अपने तरीके से इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उल्टा टांगेंगे, उसके बाद हर सच कुरेद कुरेद कर निकालेंगे। रवि गिरफ्तार कर। मैम क्या कर रहे हैं आप? मैम हेल्प मी, मैम हेल्प मी। एक मिनट, एक मिनट रवि, एक काम करते हैं, अब स्कूल छूटने वाला तो है ही, है ना? सब बच्चे बाहर होंगे। जी सर। तो पेरेंट्स भी लेने आए होंगे, तो सबके सामने इसको घसीटते हुए लेके जाएंगे और फिर हवालात में ले जाकर अच्छी तरह ठुकाई करेंगे इसकी। नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं सच बताता हूँ, सच बताता हूँ। अमन के साथ जो भी हुआ है वो सचिन ने नहीं किया। आपने तो मुझे बताया कि ये सब सचिन ने किया है। वो मैंने झूठ बोला था। अमन बेटा, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, तुम मुझे बता सकते हो। वो मुझे बस के नीचे फेंक देगा। कौन? हाय अमन। ओह माय गॉड, सुनो, अभी किसी से कुछ मत कहना, हाँ? मैं सब ठीक कर दूंगा, ओके? थैंक यू सर, अब मैं जाऊँ सर? हाँ बेटा, तुम जाओ, पर याद रहे। गलती हो गई यार, यार मुझे माफ कर दे। तुझे दोस्त कहने में शर्म आ रही है मुझे। सोच तेरी बीवी को पता चलेगा तो क्या होगा? 2 महीने नहीं हुआ तेरी शादी को। पता है मुझे, मुझे झटके आते और मैं अपने आपे से बाहर हो जाता। देख, इस बार मुझसे गलती हो गई, मैं कसम खा रहा हूं, इस बार मुझे बचा ले, प्लीज प्लीज। सॉरी प्रदीप, अब से हमारी दोस्ती खत्म। ये घिनौनी हरकत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। कितनी महंगी? कितनी महंगी, हाँ? कितनी महंगी? बोल बोलकर बोल। एक, हाँ? 1 लाख। बहुत ज्यादा है बोलकर। और तूने जो किया वो कम है। ठीक है, 1 लाख। रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो किसका नाम आना चाहिए? नाम नाम नाम, हाँ, 6th क्लास में एक लड़का है, सचिन।
सचिन माफ से कर, बहुत सताता है वो अपने बेचारे अमन को, उसका नाम सचिन माफ से कर। फिर प्रदीप कर्माकर ने अमन को धमकाया सचिन का नाम बोलने, और मैंने सचिन को धमकाया कि वो राइटिंग में दे कि उसी ने किया। ओह माय गॉड इंस्पेक्टर, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, पर प्लीज आप इस केस को थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल कीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप अब तक अपने स्कूल की रेपुटेशन की बात कर रही हैं। मैं बताऊं आपको रेपुटेशन कैसे बनेगी? रेपुटेशन तब बनेगी जब आप खुद सामने से इन जैसे जानवरों का पर्दाफाश करेंगे। रेपुटेशन तब बनेगी जब आप खुद पेरेंट्स को यकीन दिलाएंगे कि उनके बच्चे यहाँ महफूज हैं। वो होती है रेपुटेशन। रवि सर लेके जाए इसको, आज रात पुलिस स्टेशन में इसके साथ पार्टी करेंगे। वैसे मैडम, ये पीटी टीचर प्रदीप करमारकर कहाँ मिलेगा? सर प्लीज सर, डोंट शूट मी सर, प्लीज डोंट शूट मी सर। पीटी टीचर प्रदीप करमारकर पर आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत मुकदमे चल रहे हैं। मैक्सिमम सजा यानी 10 साल की मांग की गई है। मैथ्स टीचर बोरकर पर प्रदीप करमारकर का साथ देने और उसके जुर्म को छुपाने के चार्जेस लगाए गए हैं। काउंसलिंग और ढेर सारे प्यार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अमान ठीक होने की राह पर है। सचिन मापसेकर को दोबारा स्कूल में रीएडमिट किया गया है। दोनों स्टूडेंट्स अब दोस्त हैं और उम्मीद की जाती है कि वक्त दोनों के घाव पूरी तरह भर देगा। यह केस साबित करता है कि भेड़िए हर रूप में पाए जाते हैं, हर जगह घात लगाए बैठे होते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है बच्चों और मां बाप के बीच में एक ओपन चैनल जहां बच्चे बेझिझक सब कुछ यानी सब कुछ डिस्कस कर सकें। उम्र के हिसाब से सेक्स एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चे दूसरों के द्वारा किए गए सही और गलत बर्ताव को तुरंत पहचान लें। क्राइम पेट्रोल दस्तक की जुर्म के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।